हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट बीट्स। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल शी शेल बॉटल आर्ट और इसके साथ ही हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेक्सचर्स एंड लेयर कलर्स इन मिक्स मीडिया आर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम यूजिंग दिस ग्लास बॉटल हियर। बॉटल को आप कंप्लीटली क्लीन एंड ड्राई कर लीजिए और फिर हम लेंगे वाइट ग्लू एंड इसमें हम थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप इसकी जगह मॉड पॉज का भी यूज कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम इसे बॉटल पर लगाएंगे और यहाँ पर हम स्टिक करेंगे ये पेपर टॉवल्स। इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिंकल टेक्सचर आएगा और फिर इसके ऊपर हम एक बार और अप्लाई करेंगे ग्लू। सो ये इस पे देखिए कितने ब्यूटीफुल रिंकल्स बन रहे हैं। इस तरह से आप पेपर टॉवल्स के रैंडम पीसेस कर यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। हमें पूरी बॉटल को इससे कवर करना है ताकि हमारा बेस टेक्सचर रेडी हो जाए। ड्राई होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। सेकंड टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेजिटेबल नेट बैग। इसे हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू या क्विक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक लाइव वर्कशॉप किया था ऑन मिक्स मीडिया टेक्सचर मेकिंग आर्ट। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम हमारे घर में जो इजीली अवेलेबल आइटम्स होते हैं जैसे कि कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, वेजिटेबल नेट बैग, उनसे भी आप ब्यूटीफुल टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू आर न्यू टू मिक्स मीडिया आर्ट, यू कैन वॉच दैट वर्कशॉप रिकॉर्डिंग ऑन माई चैनल। इट इज़ अ कम्प्लीट गाइड फॉर बिगनर्स टू मिक्स मीडिया आर्ट। सारी रफ एजेस को भी हम प्रॉपरली सील कर देंगे और ये देखिए हमने नेट को कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टिक किया है। ये ड्राई होने के बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे टेक्सचर पेस्ट। इसे आप इजीली घर पर बना सकते हैं विद ओनली टू इंग्रेडिएंट्स। इस पे भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है हाउ टू मेक जेसो एंड टेक्सचर पेस्ट एट होम। सो आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थिक टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन स्टिक शी शेल्स हियर। यहाँ थोड़ा और टेक्सचर पेस्ट मैं अप्लाई करूंगी सो दैट मेरा ये शी शेल अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए। आपके पास जो भी शी शेल्स या बीट्स या चार्म्स अवेलेबल हैं आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। शेल्स को किस पैटर्न में आपको यहाँ पर स्टिक करना है इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैंने कुछ इस तरह के पैटर्न में शी शेल्स को यहाँ पर स्टिक किया है। यहाँ बैक साइड पे भी हम थोड़ा टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे और इस तरह से सैंडी टेक्सचर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टेक्सचर बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये हॉट ग्लू गन का। हॉट ग्लू की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ ग्लू डॉट्स बनाएंगे। अभी ये ग्लू डॉट्स आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं बट जब हम इन्हें ड्राई होने के बाद पेंट करेंगे तो इनका एक्चुअल इफेक्ट हमें दिखेगा। टेक्सचर पेस्ट ड्राई होने के बाद हम अप्लाई करेंगे अ लेयर ऑफ जेसो ऑन इट। जेसो इज अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट आर्ट सप्लाई विच इज कॉमनली यूज इन मिक्स मीडिया एंड डीकोपाज एंड मेनी अदर आर्ट फॉर्म्स। बेसिकली जेसो हम यूज करते हैं टू मेक अवर सर्फेस रेडी फॉर पेंटिंग। इसे भी आप इजीली घर पर बना सकते हैं विद ओनली टू इंग्रेडिएंट्स। इसे हमें कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। जैसो ड्राई होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे एक्रिलिक पेंट्स ऑन इट। एंड फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस सी ग्रीन एक्रिलिक पेंट ऑन दिस पोर्शन। सेकेंड शेड मैं यूज कर रही हूँ टर्कोइज ब्लू कलर और इस कलर को मुझे सी ग्रीन कलर में मर्ज करना है। और यहाँ पर थोड़ा थिक कलर हम यूज करेंगे ताकि थोड़ा डार्कर शेड आए।
यहाँ पर पेंट को हम थोड़ा वाटर के साथ अप्लाई करेंगे सो दैट इट मर्ज कम्प्लीटली। ये दोनों शेड ड्राई होने के बाद थर्ड शेड हम यूज करेंगे डीप ब्लू एक्रिलिक पेंट। डार्क ब्लू शेड को हम हमारे शी शेल वाले पोर्शन पर अप्लाई करेंगे सो दैट हमारे शी शेल्स थोड़े हाईलाइट होंगे। फिल ऑल द गैप्स हियर। डार्क ब्लू शेड को भी हम अच्छे से मर्ज करेंगे। अब हमारा बेस पेंट ड्राई हो गया है एंड अब हम शेड्स को हाईलाइट करेंगे। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस डीप ब्लू मेटालिक पेंट फॉर हाईलाइटिंग। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हाईलाइटर्स हम हमेशा ड्राई ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ वाटर का बिल्कुल यूज नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पेंट हम ब्रश में लेंगे और इस तरह से ड्राई ब्रश टेक्निक से हाईलाइट करेंगे। Let it dry completely. इससे एक shiny and metallic look आएगा bottle पर। Second highlighter मैं use कर रही हूँ ये pearl metallic white paint. We will use this as a highlighter on our she shells. यहाँ भी हम dry brush technique ही use करेंगे to highlight our she shells. यहाँ देखिए हमने जो हॉट ग्लू से डॉट्स बनाए थे वो अब हाईलाइट होने लगे हैं। शीशल्स को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट पेंट ऑन माय फिंगर एंड अप्लाइंग इट ऑन शीशल्स। इस तरह से हमारे सारे टेक्सचर्स हाईलाइट होने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर्स यूज किए हैं इन दिस मिक्स मीडिया बॉटल आर्ट। यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ योर चॉइस हियर। यहाँ नेट वाले पोर्शन पर भी हम व्हाइट मेटालिक पेंट से हाईलाइट करेंगे। सी हाउ ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस इट इज लुकिंग। This is not the final step, friends. अब हम इसे थोड़ा और embellish करेंगे। Seashell decoration is incomplete without pearls. तो हम यहाँ पर embellishment के लिए use कर रहे हैं ये pearls and beads. इन्हें हम stick करेंगे hot glue की help से। यहाँ जो open seashell है वहाँ पे मैंने इस तरह से pearls को stick कर दिया है। आप अपने pattern के according different places पे ये pearls यहाँ पर stick कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये क्रिस्टल बीड्स। आई एम स्टिकिंग दीज क्रिस्टल बीड्स ऑफ वाइट, टर्कोइज एंड डार्क ब्लू शेड एट डिफरेंट प्लेसेस हियर। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक शी शेल ट्रेजर। इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट लाइक दिस। बट फ्रेंड्स, बाद में मैंने इसे एक विंटेज एंड रस्टिक लुक देने का सोचा। So I am applying little bit golden metallic paint here on this netted portion and little bit shading here. So friends, mixed media is all about experimenting. You can experiment with colors and your creativity. आपको इसका कौन सा लुक अच्छा लगा, सिल्वर और गोल्डन, कॉमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। And I hope you enjoyed today's video and learned something new today. Don't forget to subscribe the channel and watch other videos in Bottle Art series. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.